राजधानी में एक बार फिर लाखों रुपए की जाली नोट मिले हैं। जी हां, रायपुर में जाली नोट खपाने के फिराक में घूम रहे दो आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। मामला राजधानी के गंज थाना इलाके का है, जहां चूना भट्टी के पास नोट जैसा दिखने वाला जाली नोट खपाने के लिए आरोपी ग्राहक की तलाश कर रहे थे। देखिए इस रिपोर्ट में। आपको बता दें, पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2000 के 93 नग, 500 के 93 नग और 100 के 184 नग जाली नोट जब्त किए हैं। दोनों आरोपी पराग रात्रे और शिव प्रसाद मूलतः सक्ती जिले के रहने वाले हैं, जिसमें शिव प्रसाद मनहरे पहले भी जयजयपुर से जाली नोट के प्रकरण में जेल जा चुका है। पूरे गिरोह के तार जांजगीर के जयजयपुर से जुड़े हुए हैं और साल 2017 में भी जांजगीर में पुलिस ने नकली नोट को लेकर बड़ी कार्रवाई की थी, जिसमें 21 लाख रुपयों के नकली नोट मिले। इस कार्रवाई के संबंध में एडिशनल एसपी सिटी एवं क्राइम अभिषेक माहेश्वरी ने जानकारी दी है। थानागंज क्षेत्र में चूना भट्टी करके एक एरिया, वहाँ पर सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति जो कि शक्ति के रहने वाले हैं, जिसमें एक का नाम शिव प्रसाद मनहरे है और दूसरा का नाम पराग रात्रे हैं, वो कुछ नकली नोट जैसा रखे हुए हैं और उसे लोगों को जो है बेचने का और साथ ही लोगों को ठगने का उसके माध्यम से प्रयास कर रहे हैं, जिसकी सूचना पर जो है थानागंज और क्राइम ब्रांच की टीम को रवाना किया गया था और आरोपियों को गिरफ्तार करके जब उनकी तलाशी ली गई तो उनसे 2000 के 1000 के 500 के कुछ नकली नोट मिले हैं, जिसके बेसिस पर धारा 420 और 489 ई का जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया है, उस पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। राजधानी रायपुर में एक बार फिर नकली नोट से जुड़े कारोबार का खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपियों से 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की नकली नोट बरामद की है, जिसमें 2000, 100 और 500 की नोट शामिल है। बताया जा रहा है कि आरोपी जांजगीर जयजयपुर से जो है नोट लेकर के राजधानी रायपुर में खपाने आए हुए थे। फिलहाल आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन इस मामले में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर लाखों रुपए की नोट छप कहां रही है। बहरहाल देखना होगा इस मामले में आगे किस तरीके से पुलिस एक्शन लेती है। कैमरामैन मलकीत सिंह के साथ मोहम्मद सैन, NH 24/7 रायपुर।